और दसो की हालचाल। आई होप आप सब चंगे चंगे होंगे। हम भी विद गॉड ब्लेसिंग एंड आप सबकी गुड विशेस से हम भी यहाँ पर अच्छे हैं, टच वुड। अब पंजाबी में जब मैं बातें कर रही हूँ तो आपको लग ही रहा होगा ना कि शायद ये पंजाब की साइड है। जी हाँ, हम लोग अमृतसर में हैं और मतलब पहुँच ही रहे हैं। सो मैं आज आप सबसे कनेक्ट होंगी अमृतसर में। क्या हो गया एकदम थोड़ी पंजाबी, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा बोल ली। बहुत कोशिश कर रही हूँ पंजाबी सीखना, कई सालों से कोशिश ही कर रही हूँ, बट अभी भी मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, कॉलेज तक जाना बाकी है। जी हाँ, सो पहले बताइए मुझे आप सबको मेरा ये सूट कैसा लग रहा है। देखिए है ना, अच्छा। पता है मुझे मेरी सासू माँ ने गिफ्ट किया और ये ऑफ कोर्स कई सालों पहले गिफ्ट किया था, बट अब उस समय मैंने जब ये बनवाया था तो ऑफ कोर्स इट वेरी स्लिम एंड ट्रिम, बट अब सूट की शेप में आने के लिए बहुत टाइम था और आई वॉन्ट टू वेयर द सूट। सो मेरे को लगा थोड़ा सा सूट को अपनी शेप में कन्वर्ट कर लेट्स फाइंड इट द सेम। सो बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। आई हैव टू लूज मोर 6 kg वेट। ये तो 5 एक एक्स्ट्रा और जोड़ लो, 6 kg वेट है। वर्किंग फॉर इट, सो जस्ट विश मी लक। सो अब बाकी के अपडेट्स आपको मैं जल्दी से देती हूँ। सी या। हाँ जी, आप देख रहे हैं हम कहाँ आ गए हैं। आई एम श्योर आप सब समझ ही गए होंगे। हम आ गए हैं गोल्डन टेम्पल। सो वेयर आर वी आर गोइंग फॉर गोल्डन टेम्पल। ये देखो मैडम को कॉटन कैंडी खानी दिक्कत है। ये देखो तो मेरे पीछे चलो क्लाइम करो। जी हाँ, आइसक्रीम खाएंगे। कॉल आई टेल मी से अदरवाइज आई टेक दैट आइसक्रीम। she wanted to have something yummy कर रही थी। She would have some candy। वो नहीं आती वो बुढ़िया के बाल में, that's candy and we don't want her to have that। Cotton candy that would। क्या जब मैम की आइसक्रीम हो जाएगी उसके बाद हम लोग टेम्पल में दर्शन करने जाएंगे। So Manisha, we are at the Golden Temple। Where are we? Golden Temple। Yes। And I'll tell you, मैं चुन्नी लाना भूल गई and I'm going to buy चुन्नी because Golden Temple में अगर आपको जाना है तो आप बिना सर पे रखे भी नहीं जा सकते। But strictly they follow and otherwise नहीं follow करता पटक लगता है। अच्छा वो कौन मारते हैं? दरबान। हाँ दरबान जी जो होते हैं, अगर आप फॉलो नहीं करते पटक मारते हैं। हाँ एक बाइट यार। जी हाँ, मुझे आप फुल कारी दुपट्टा दिखा दो। And also our daughter, Manisha, could you please come here? See. Oh wow! So we are just moving ahead. हम लोग आगे चल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए and मैं बहुत सालों के बाद आ रही हूँ, है ना। बहुत टाइम से वाहेगुरु जी को बोल रही थी बुला लो दरबार में, खुशी दरबार में बुला लो अपने। आज बुला रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ की दुकानें। चलिए देखिए यहाँ की दुकानें। और हमारी कुड़ी नू हमने आज बनाया है जो पंजाबी है ना। लुक जस्ट कम हियर। हम आ गए यहाँ पर। ब्रदर्स ढाबा जब मैं फ्लाइंग करती थी स्पाइसजेट के साथ में हमेशा आकर मैंने डिनर यहीं किया है। सो गेटिंग इनसाइड, थैंक यू। यस, दिस इज द प्लेस वी यूज्ड टू कम हियर, कभी उस सीट पे कभी उस सीट पे कभी उस सीट पे, यहीं पर आके खाते थे। गए अमृतसर में ब्रदर्स ढाबा। एज आई टोल्ड यू कि मैं स्पाइस में जब फ्लाई करती थी तो मैं हमेशा आकर यहीं खाती थी। हमेशा अपनी क्रू को भी लेकर यू हैव टू कम एंड ईट हियर, मतलब वो लिटरली भैया भी जान गए थे और बैक टू बैक मुझे लेवर्स भी अमृतसर के ही मिलते थे। वी यूज्ड टू स्टे इन हॉलीडे इन एंड या दिन आप गोल्डन टेम्पल के दर्शन करो यहाँ पर। एंड वाओ, सी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम हियर, सो मेनी इयर्स मैन। सो या, समबडी इज देयर विद मी। द बेस्ट खाना यू विल फाइंड इट हियर, आई एम टेलिंग यू। ये लस्सी जी छाछ आ रही है, ये लस्सी हैगी, छाछ इज कमिंग, इट्स ऑन द वे एंड दिस इज द पराठा हैगी। आई अच्छा पराठा एंड सो मच आई वांटेड टू हैव दिस फॉर सो मेनी इयर्स। बहुत कोशिश करी पर नहीं हो पाया, तो काफ़ी सालों बाद मुझे आने का मौका मिला। सो या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इतना भर भर के खाना खाया, इतना इतने सालों पुरानी याद के चक्कर में हम बात भी नहीं कर रहे, जस्ट ईटिंग मीटिंग मीटिंग, स्पेशली मी। और मैम का एसिस्टेंट मिश्री, शीला मिश्री है ना। अब इतनी नींद आ रही है कि मन कर रहा है बस सो जाओ। इट वॉज अ गुड फूड। इफ यू कमिंग टू अमृतसर प्लीज यू कम टू ब्रदर्स ढाबा। बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, क्या बताएं हम आपको। मर्जी हाँ, मतलब पूरी यार आई विल गेट द टॉय। मैम ने खाना इसीलिए खाया आराम से कि आई विल गेट द टॉय। आई शुड बिहेविंग नाइस लाइक अ गुड प्रिंसेस। आई इज प्लेइंग अ गेम, होल्ड इट, स्नैच इट स्नैच इट स्नैच इट स्नैच इट। ओ ये यू कैन डू इट, टेक इट, होल्ड इट ये टेक इट बाय। आई होप आपको हमारी ये छोटी सी में आपको मैंने ट्रिप दिखाई अमृतसर की, ये पसंद आई होगी। या वी गोना डू पार्टी मैन। ओके सो आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे हम लोग ज़्यादा अंदर गोल्डन टेम्पल का नहीं दिखा पाए बिकॉज आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पर फोटोज़ आर प्रोहिबिटेड, मतलब कैमराज यूज़ करना एंड ऑल इट्स नॉट अलाउड। फिर भी लोग थोड़ा बहुत मतलब कैप्चर कर ही लेते हैं, बट प्रॉपरली कैप्चर करना नहीं हो पाता। ऑफकोर्स इट्स नॉट अलाउड एंड वी बिलीव इन फॉलोइंग द रूल्स एंड सो या। सो ये छोटी सी ट्रिप थी अमृतसर की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। बहुत पुरानी यादें ताज़ा हुई, जस्ट लाइक एज आई टोल्ड यू कि स्पाइस में मैं यहीं पर यू नो क्या बोलते हैं, आई यूज टू फ्लाई एंड वी यूज टू स्टे इन। आप व्हाट आर यू डूइंग? एक्चुअली आई हैव चेंज्ड माय कैमरा टुवर्ड्स हर बिकॉज आई वांट टू सी व्हाट शी इज डूइंग, यू नो हाउ द टॉडलर्स आर, यू नो। सो हम लोगों ने So yeah, we did enjoy it and we used to stay in Spice the Holiday Inn। और फिर उसके बाद हम लोग बहुत थक जाते थे, 4 कर आते थे, अर्ली मॉर्निंग करते थे और दोपहर को लैंड करते थे। और कितनी बार हम सो भी नहीं पाते थे ठीक से, प्रॉपर अच्छे से सोते थे। फिर रात को हम लोग गोल्डन टेम्पल जाते थे। तो मैंने यहाँ की दिवाली देखी अमृतसर की, गोल्डन टेम्पल जो हम लोग मतलब ऐसी फ्लाइट मेरी लगती है दिवाली के टाइम पे। एंड मैंने देखी है करवा चौथ भी देखी, बहुत अच्छे से लेडी सज के आती है एंड ऑल दैट्स वेरी नाइस। एंड मैं हमेशा लाइक ब्रदर्स ढाबा में जाके खाना खाती थी, तो वही इतने सालों पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई। अगेन आई वेंट देयर। तब तो इतना कैमराज वगैरह हम लोग यूज़ भी नहीं करते थे, so I do not have a particular photo to capture and all that. So yeah, so I hope आपको बहुत पसंद आया होगा। अब मैं आपके साथ नया डेस्टिनेशन शेयर करने वाली हूँ soon, So just do follow my page, do subscribe my page और अपने सब friends, family से, relatives से और सबसे बोल दो कि please मेरे page को subscribe करें, मुझे help करें grow करने में और मेरी family YouTube की बढ़ाने में help करें and हमेशा मेरे साथ रहें अच्छे से, है ना। एंड डू शेयर योर कमेंट्स ऑन माई पेज कि मैं कैसा कर रही हूँ और आप आगे क्या चाहते हैं एंड ऑल दैट। सो बस मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमेशा अपना प्यार देते रहिए, नमस्ते, पैरी पैना और बहुत सारी ब्लेसिंग देते रहिए आप सब हम सबको।